यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिया में कुख्यात 20,000 के इनामिया रिजवान को मुठभेड़ के दौरान एसओजी और हदगांव पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में घायल हुए रिजवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। बदायूं में सपा का प्रतिनिधि मंडल ग्राम दियोरी पहुंचा, जहां उन्होंने मृतक के पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर मौत की वजह और घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मृतक की बेटी और परिवार को आश्वस्त किया कि समाजवादी की ओर से न्याय दिलाने में उनकी हर संभव मदद की जाएगी। बिजनौर में पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी नाले उफान पर है, जिसकी चपेट में आने से वन विभाग की गाड़ी डूब गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कूदकर जान बचाई। वहीं प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। कानपुर में बिल्हौर थाना क्षेत्र के राजीव नगर में बीते दिन मोबाइल टावर से महंगे उपकरण चोरी करने वाले एक गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए 5 आरोपियों के पास से कम्युनिकेशन उपकरण सहित अन्य सामान बरामद किया गया। गुलदार के आतंक से प्रभावित बिजनौर वासियों को अभी गुलदार से थोड़ी ही राहत मिली थी कि अब हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को रौंदना शुरू कर दिया है। कई बीघा फसल को हाथियों के झुंड ने नष्ट कर दिया, जिसको लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने खेत पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की चल रही हड़ताल आज 7वें दिन समाप्त हो गई। कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य सिंह ने बताया कि कानपुर कमिश्नरेट में कई कमियां थी, जिसको लेकर लॉयर्स और बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हड़ताल पर थे। कल देर रात कानपुर कमिश्नर से बैठक हुई और वार्ता हुई, जिसमें कानपुर कमिश्नर ने माना कि जो भी कानपुर कमिश्नरेट में कमियां हैं, उनको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। बिजनौर के कस्बा नूरपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं नालों की सफाई न होने के कारण शहर की सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है, जिससे राहगीरों को पानी में निकलना दूभर हो गया है।